नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक गज़ल लेकर के आपके सामने आया हूँ जो आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी साहब की लिखी हुई है। उन्हीं की गज़ल संग्रह बीत गया है जैसे युग से, इसको मैंने लिया है और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको उनकी ये लिखी हुई गज़ल ज़रूर पसंद आएगी, कोशिश करता हूँ। वो लिखते हैं कि साथ होते अगर तुम हमारे, साथ होते अगर तुम हमारे, सारी दुनिया को हम भूल जाते। साथ होते अगर तुम हमारे, सारी दुनिया को हम भूल जाते। एक तुम्हारे लबों की हंसी पर, एक तुम्हारे लबों की हंसी पर इस जहां के सितम भूल जाते। साथ होते अगर तुम हमारे, ढूंढते फिर रहे हैं जहां में, पर न पाया कहीं दर तुम्हारा। ढूंढते फिर रहे हैं जहां में, पर न पाया कहीं दर तुम्हारा। दर तुम्हारा मिले जो कहीं पर, दर तुम्हारा मिले जो कहीं पर, हम ये जीवन के गम भूल जाते। घर तुम्हारा दर तुम्हारा मिले जो कहीं पर, हम ये जीवन के गम भूल जाते। बिन तुम्हारे गुजारी है हमने, रोते रोते हुए जिंदगानी। बिन तुम्हारे गुजारी है हमने, रोते रोते हुए जिंदगानी। उस जुदाई की काली घड़ी को, उस जुदाई की काली घड़ी को किस तरह हम सनम भूल जाते। उस जुदाई की काली घड़ी को किस तरह हम सनम भूल जाते। लोग मिलते रहे यूं सफर में, पर न देखा कहीं मीत अपना। लोग मिलते रहे यूं सफर में, पर न देखा कहीं मीत अपना। घर वो दिखता हमें फिर कहीं तो, घर वो दिखता हमें फिर कहीं तो, हम ये राहों का तम भूल जाते। हम ये राहों का तम भूल जाते। लोग मिलते रहे यूं सफर में, पर न देखा कहीं मीत अपना। घर वो दिखता हमें फिर कहीं तो, हम ये राहों का तम भूल जाते। साथ होते अगर तुम हमारे, सारी दुनिया को हम
भूल जाते, एक तुम्हारे लबों की हंसी पर, एक तुम्हारे लबों की हंसी पर इस जहां के सितम भूल जाते, इस जहां के सितम भूल जाते। दोस्तों ये थी गजल आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी साहब की लिखी हुई। गजल क्या है? ये हकीकत है, और हकीकत जो होती है वो दिल से लिखी जाती है। लिखता कलम है, लेकिन ये दिल और दिमाग जो ये महसूस करता है तब लिखी जाती है। बहुत ही प्यारा लिखते हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं, दिल से लिखते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, आपके दो शब्दों का हमें भी इंतजार रहता है। अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं, हौसला बढ़ता है लेखक का भी और जैसे नाचीज का भी, पढ़ने वाले का। कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। थैंक यू।